तो मेरे और नवीन के बीच हमेशा ये होड़ लगी रहेगी कि तुम्हें ज्यादा खुश कौन रखेगा। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, आपके लिए। और ये भैया आपके लिए स्पेशल काली मिर्च वाली। काली मिर्च वाली? भाभी ने कहा तो मैंने बना दी। थोड़ा कम नहीं डाल सकती थी? बस 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 कीजिए, चुपचाप काली मिर्च की चाय पीजिए। आपके गले में खराश हो रही थी ना, इसीलिए मैंने बनवाई है। चलिए पीछे। अरे लगता है केतन आया होगा। हाँ मैं देखती हूँ। किसी कुत्ते वुत्ते ने भगा दिया था क्या आपको, जो ऐसे पसीने पसीने होकर आ रहे हैं? आइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। लाइए ये मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। अब किचन में रखते हैं। जी भाभी। कितना अच्छा है ना केतन। कभी भी कोई भी काम बोलो, कभी मना नहीं करता। सो स्वीट। इतनी सुबह सुबह भाग भाग कर जाने की क्या जरूरत थी, कह देते कि शाम को आऊंगा तो लेकर आऊंगा। तुम्हारे लिए तो ये सब करता हूँ, कब समझोगे तुम? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। हेलो, कहाँ खो गए तुम? नहीं नहीं बताओ क्या सोच रहे थे? अच्छा ये सारी सब्जियां ना प्लीज अच्छे से रखना, वरना भाभी आते ही ना मुझ पे ही चिल्लाएंगी। जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? बताओ भी। है एक जिसके लिए मैं जीने मरने को तैयार। कौन है वो? कहीं तुम मेरा नाम मत ले लेना। चलो तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है, या कोई और भी है जो उससे प्यार करता है, तो तुम क्या करोगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं वो सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। अरे अनन्या वो। हाँ भाभी। भाभी जी वो मैंने सारी सब्जियां यहाँ पे रख दी अच्छे से। चलता हूँ भाभी। नमस्ते। अच्छा चलो नवीन को प्लीज भेज देना, वो मेरे रूम का फैन खराब हो गया है। है ना? अरे भैया
अरे वाह, गर्मा गर्म पोहा लो ना। सुबह सुबह कहाँ गया था? बाबूजी वो बलदेव भैया के घर का कुछ सामान लाना था, वहीं गया था। नौकर समझ रखा है क्या उसने? बाबूजी आप भी ना, इतना हम लोगों को मानते हैं, हम लोग छोड़िए ना। अच्छा मेरा हो गया, मैं दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है बाबूजी, ख्याल रखा। अच्छा नवीन। हाँ भैया। जाते जाते ना बलदेव भैया के घर चले जाना, उनके पंखे का कुछ प्रॉब्लम था, देखना क्या। ठीक है भैया, दुकान जाते जाते होते हुए चले जाऊंगा। अरे सुन, अरे पैसे उसे तो देते होंगे नहीं, बस हर दो दिन पर कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। जाने दीजिए ना बाबू। क्या जाने तो? और तू भी सुन, उस घर में ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखा कर बस, वरना लोग कुछ कर कुछ अर्थ निकालते हैं। नहीं, जमाना बहुत खराब है। नवीन जी। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। अब वो ननन जी के कमरे का फैन नहीं चल रहा। अच्छा मैं देख लेता हूँ। भाभी जी, बलदेव भैया दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है वो? अरे वो खेत गए ना। क्यों? मजदूरों से बात करने के लिए। अच्छा। वो कल से बुआई शुरू होनी है ना, इसलिए। अच्छा। ये देखो, ये बटन तो चालू है पर पंखा बंद है। अच्छा हाँ भाभी, मैं कर देता हूँ, है ना, अभी एक मिनट। अरे मैं गैस पे सब्जी चढ़ा के आई हूँ, मैं वो देख के आती हूँ, तुम किस। हाँ हाँ, यू डोंट वरी। हाँ बार बार बहाना करके बुलाना पड़ता है। भैया भाभी को कभी पता चल गया तो? बाहर मिलना भी तो खतरनाक है ना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देखो, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। अच्छा भाई दादे, आगे क्या बहाना करने वाली हो तुम? कह दूंगी कि प्रेस खराब हो गई थी, कपड़े प्रेस नहीं हो पा रहे। तुम ना एक काम करो, कुकर मिक्सर ग्राइंडर ये सब ठीक करना सीख लो, फिर मेरे पास रोज बहाना होगा। इतनी स्मार्ट हो गई हो तुम। अरे वाह, ठीक हो गया? हाँ, अंदर से वायरिंग का इशू था, लेकिन अभी हो गया, देखिए चल रहा है ना। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा मैं चलूं? अलविदा भैया, नमस्ते। नमस्ते। मैं क्या बोल रहा हूँ, घर की ना वायरिंग अब आप चेंज करवा ही लीजिए, रोज रोज फॉल्ट निकलेगा, क्या फायदा। वैसे पंखा मैंने सही कर दिया है ना भाभी, क्यों? हाँ देखा मैंने। ठीक है भैया, नमस्ते। थैंक यू नवीन जी। यू वेलकम भाभी, थैंक यू। अरे भाभी आप गई नहीं अभी तक मंदिर? अरे मैं वो केतन का इंतजार कर रही थी, उसे मैंने फूल लेने के लिए भेजा है। ये लीजिए भाभी, आपके फूल ले आए।
काफी टाइम लग गया तुम्हें। हाँ वो थोड़ा कहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे? नहीं नहीं भाभी आप जाइए, वो नवीन ने दुकान पे बुलाया मुझे, तो मुझे वहाँ जाना होगा। अच्छा ठीक है। अनन्या वो तुम खाना बना लेना ठीक है, शायद तुम्हारे भैया का खाना आज खेत पर ही भिजवाना पड़ेगा। ठीक चल मैं आती। तो अब देर नहीं हो रही है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या कर रही है तुम? मैं तुम्हारी बिना जी नहीं सकता नन्हे। मैंने तुम्हें कितनी बार इशारों में समझाने की कोशिश की है ना, कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुम मुझसे प्यार करते हो इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं है ना कि मैं भी तुमसे प्यार करूं? अनन्या अनन्या तुम ऐसा नहीं कर सकती नन्हे। अगर तुमने मेरा प्यार नहीं स्वीकारा ना तो मैं कसम से बता रहा हूं नन्या मैं अपनी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो? अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में नन्या। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं नन्या, और किसी की जान ले भी सकता हूं। अगर मैंने तुम्हें ना कह दिया तो तुम मेरी भी जान ले लोगे? नहीं नन्या मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ नन्या। छोड़ो मुझे। नन्या बस मुझे इतना बता दो ना, तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है ना? बोलो ना। देखो तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो ना। तुम्हें पता है तुम्हारा बात करना, तुम्हारा खिलखिलाकर हंसना, तुम्हारा मुझे पलट कर देखना, मैं कभी भूल नहीं पाता नन्या। तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो नन्या, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अच्छा मेरी बात तो सुनो, देखो अभी तुम जाओ, भाभी आ गई तो। नन्या मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। मुझे अपनी जायदाद मत समझो, प्यार तो किसी को किसी से भी हो सकता है, और मैं किसी के लिए बेवफा नहीं बनना चाहती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए अपनी जान दे दे। मैंने कहा भी था कि प्यार तो प्यार है, किसी को किसी से कभी भी हो सकता है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि अगर जिससे तुम प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करे तो तुम क्या करोगे? मैं उससे भी प्यार करती हूं तो करती हूं, तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। क्या किसी को दो लोगों से प्यार नहीं हो सकता? मेरे भैया भी तो शादीशुदा हैं, वो भी कुसुमी में एक लड़की से प्यार करते हैं। मैं तुम दोनों से प्यार करती हूं, दोनों को चाहती हूं बस। सुनिए जी, आपने ननन जी के लिए लड़का देखा क्या? मैं सोच रही थी कि
हमें ननन जी की शादी कर देनी चाहिए। अचानक अनन्या की शादी का ख्याल कहां से आया? क्योंकि शायद मैं उन्हें अच्छी तरह से समझती हूँ और मुझे लगता है कि उनकी शादी की उम्र हो गई है, तो आप उनके लिए लड़का देखना शुरू कीजिए। हाँ, पिछले साल जो बात चलाई थी वो तो अभी भी हमारे हाँ का इंतजार ही कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, बुला लीजिए उन्हें। कौन है वो जो मेरी खुशियों से खेलना चाहता है? मार दूंगा उसे। वो प्यार तो मुझसे ही करती है, किसी ने उसे अपने जाल में फंसाया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। नवीन, अभी वो तेरे भाई की खुशियों में आग लगाना चाहता है, क्या तू अपने भाई की मदद करेगा? हाँ भैया, क्यों नहीं। पर भैया, आपको मेरे एक मामले में मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। भैया, मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर पता नहीं कौन है जिसने उसे अपने जाल में फंसा रखा है। भैया, वो कहती है कि वो हम दोनों से प्यार करती है। आप ही बताओ, ऐसा कभी हुआ है क्या भला? जब हाँ, कौन है वो नवीन? उसका नाम बता। भैया, वो अनन्या है जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता? इसका मतलब वो हम दोनों से प्यार करती है? क्या अनन्या ऐसे कैसे कर सकती है भैया? That's impossible। उसने आज मुझे छत पे मिलने बुलाया है। एक काम करते हैं, मैं भी चलूंगा। हाँ, उसी से पूछ ले। हाँ, क्या चाहती है? हाँ नवीन, मैं उसके बिना जी नहीं सकता यार। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ भैया, मैं भी उसके बिना मर जाऊंगा। इसका मतलब हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा नवीन। क्यों नहीं हो सकता ये? हम तीनों शादी करके एक साथ क्यों नहीं रह सकते? लेकिन अनन्या, जब हम तीनों को मंजूर है तो मैं किसी और की परवाह बिल्कुल नहीं करती। और वैसे भी लोग शादी के बाद भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं तुम दोनों में से किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए तुम दोनों से शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों को मंजूर है तो हमें कौन रोकेगा? मैं तो मंजूर है, पर तुम्हारे भैया वो मानेंगे? मेरे भैया तुम दोनों में से तो किसी से शादी नहीं कराएंगे मेरी, हमें तो भाग के शादी करनी पड़ेगी। अब तुम दोनों सोच लो। हम तीनों एक साथ रह तो सकते हैं, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि हमारी शादी कब और कहां कैसे होगी। लड़की तो हमें पहले से ही पसंद है, हम तो शादी की बात तय करने आए हैं। शादी कैसे होगी, क्या लेन देन होगा? वैसे तो दिवाकर को 15 लाख नकद और गाड़ी देने के लिए लोग तैयार हैं। जी हम इतना तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, 15 नहीं तो 10 तो दोगे। माँ देखिए, आपकी बहन है, जो भी देना है दीजिए। मुझे लड़की पसंद है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस आप तारीख निकलवाइए। जी केतन कहाँ रह गया? भैया वो मिठाई लाए। मिठाई लाने में कितनी देर लगा दी तुमने? हाँ, जब आपने फोन किया था मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए टाइम लग गया। फिर दीजिए, मुंह मीठा कीजिए।
शर्मा गई शायद। तुम भी मुंह मीठा करो, अनन्या की शादी तय हुई है। थैंक यू। आप मेरा नंबर ले लीजिए जी। अनन्या की कुंडली भिजवा दीजिएगा ताकि माँ मिलान करवा ले। जी बोली। 3142। ओके। एक मिनट। हाँ भैया नंबर बताना। डायल करना। हाँ 30 30। हाँ हेलो। उठा लिया। स्पीकर पे लगा। क्यों दूल्हे राजा, अनन्या से शादी करने चला था तू? हाँ अगर शादी करने का इतना ही शौक है ना तो कोई दूसरी लड़की देख ले, समझा? कौन बोल रहा है? हेलो। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं अनन्या से बहुत प्यार करता और वो तेरी तो कभी नहीं हो सकती। अगर तू मेरी बात तब भी नहीं माना तो बेमौत मारा जाएगा। ये बताने के लिए फोन किया था तुझे। हेलो हेलो। बंदी भैया को बताता हूँ। हेलो भाई साहब, अभी एक कॉल आया था, वो अनन्या से प्यार करने का दावा कर रहा था और कह रहा था कि अगर मैंने अनन्या से शादी की तो वो मुझे मार देगा। क्या? अनन्या कितना टाइम लगा था तुमने? तुम सही कह रही थी, तुम्हारे भैया हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे, हमें यहाँ से भागना ही होगा अनन्या। और मैंने नवीन से भी बात कर ली है। हाँ हम जल्दी कुछ करते हैं। ठीक है। अनन्या मेरा शक सही निकला, क्या कर रहा था मेरी बहन के साथ? छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो अनन्या। शर्म नहीं आई इन छोटे लोगों के साथ रिश्ता रखते हुए? हाँ पता है इसने दिवाकर को फोन किया था, दिवाकर को, और धमकी भी दी थी। आप पहले इनसे ये पूछिए ये प्यार किससे करती है। पहले मैंने इन्हें नवीन के साथ देखा और अब ये केतन के साथ। मैं दोनों से प्यार करती और शादी भी दोनों से करूंगी। अनन्या चल चल चल। हमें इसकी शादी जल्द से जल्द करनी होगी। पर सवाल तो ये है कि दिवाकर अब शादी के लिए मानेगा या नहीं? मैं उससे बात करूंगा, तुम चलो रन पे से अकेला। ननन जी, ननन जी, सुनिए जी, सुनिए जी, जल्दी आइए यहाँ पे। क्या हुआ? ये देखिए माँ जी ने जो ननन जी की शादी के लिए जेवर छोड़े थे, ननन जी वो सारे जेवर लेकर भाग गई। ये देखिए लेटर भी छोड़ा है।
घर थोड़ा छोटा है लेकिन अपना काम हो जाएगा। हाँ ऐसे घर है तो कस्बे से दूर, पर भैया आपने कहीं बता तो नहीं दिया ना मकान मालिक को? अरे वो सब क्यों बताऊंगा, मैंने बोला है हमारे दोस्त की शादी है उसमें शामिल होना है, एक हफ्ता रहेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। बेटा वैसे लेकिन वो मकान मालिक नहीं बगल में रहती है तो ध्यान रहे ठीक है। तब तो हम लोगों की तलाश भी शुरू हो चुकी होगी, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली सुनो मैंने पंडित जी से बात कर ली है फोन पे, एक काम करता हूँ उसे मिलकर आता हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। अच्छा भैया सुनिए, ऐसे पंडित को लेके आइएगा जो पैसे ले और शादी यहाँ आके करा दे, और वैसे भी साथ फेरे ही तो लेने ना बस। और हमें शादी रजिस्टर भी तो करवानी है, वो कब होगा? हाँ अरे उसे बाद में देख लेंगे, एक बार मिलकर आता हूँ पहले। ठीक है भैया जाइए, संभल के जाइएगा, गाँव में पता लगते ही हंगामा खड़ा हो जाएगा। ठीक है बाय। हाँ रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा। हाँ पता, वो दोनों मेरी बहन को कहाँ ले गए? 10 लाख के जेवर के लालच में मेरी बहन को भगा कर ले गए ना? हाँ पता, मैं बताता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मालूम है मुझे। बताओ वरना मैं तुझे जान से मार दूँगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे पता कहाँ ले गए? अनन्या मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। ठीक है। आप कौन? हम जी मधुमती, आपकी मकान मालकिन। नमस्ते। नमस्ते। मंदिर गई थी लौटी तो पता चला कि आप लोग आए हैं, सोचा जाकर आप लोगों से मिल लें। आप केतन के भाई हो ना? जी नमस्ते नवीन जी, बताया था उन्होंने। अच्छा आप लोग बातें कीजिए मैं आता हूँ। हाँ वैसे ना हम यहाँ बगल में ही रहते हैं, कुछ काम हो तो बताइएगा। जी जरूर। इंस्पेक्टर साहब पूछिए से, इसके बेटे मेरी बहन को कहाँ ले गए? 10 लाख के जेवर के साथ उन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया है। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये है वो चिट्ठी, ये लीजिए, ये देखिए। सारे झगड़े की जड़ वो लड़की है जो दोनों भाइयों के साथ एक साथ शादी करना चाहती है। क्या दो लड़कों से एक साथ शादी? जी इंस्पेक्टर साहब उन्होंने मजबूर किया होगा मेरी बहन को। आप थाने आकर एफआईआर लिखवाइए, हम देखते क्या कर सकते हैं। और ये हम लेकर जा रहे हैं। जी अजीब सा मामला है, एक काम करो इन दोनों पर नजर रखो, इन दोनों के नंबर और दोनों बेटों के नंबर सर्विलेंस पे डाल दो, हो ना हो दोनों बेटे अपने बाप से कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। कमाल की बात है एक लड़की दो लड़कों से शादी। बलदे जी जी आइए बाद में फोन करता हूं। माला पहनाइए आप। लोग लड़की की मांग में सिंदूर भरिए।
अब मंगलसूत्र पहनाइए। अभी यह विवाह संपन्न हुआ और आप लोग पति पत्नी हुए। अनन्या उन दोनों से शादी करेगी और इस शहर में आकर हमारे सामने रहेगी, क्या हम सर उठाकर रह पाएंगे? अरे हमारे लिए कलंक बन जाएगी वो। हम भी तो यही कह रहे हैं, इस शादी को किसी भी तरह रोकना होगा, लेकिन पता तो चले कि वो दोनों है कहां पे। आज पूरे दिन मोटरसाइकिल से एक कोने से दूसरे कोने में तस्वीर दिखाकर पूछता रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। पुलिस में कंप्लेंट तो करा दी है हमने। अब एक काम कीजिए, आप कल फिर से पता करके देखिए, शायद कुछ पता लग जाए। मेरे और नवीन के बीच हमेशा ये होड़ लगी रहेगी कि तुम्हें ज्यादा खुश कौन रखेगा। अनन्या के भैया चुप नहीं बैठे होंगे कि ये मामला जरूर पुलिस तक पहुंच गया होगा। पुलिस हमारा नंबर ट्रैक कर रही होगी, अगर इस नंबर से हमने फोन किया ना तो पुलिस पक्का हमें ढूंढ निकालेगी, इसलिए मैं नए नंबर से कॉल कर रहा हूं। हाँ। हेलो हेलो बाबूजी, मैं केतन। लाउड स्पीकर, स्पीकर पे करो स्पीकर। ये क्या कांड कर दिया तुम दोनों ने? तुम्हें पता है ये बलदेव ने 10 लाख रुपए जेवर की डकैती और उसकी बहन को किडनैप करने के लिए FIR दर्ज करवाई तुम दोनों पे? क्या बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग ने कोई डकैती वकैती थोड़ी ना की है बाबूजी, वो तो अनन्या हम दोनों से प्यार करती है तो इसलिए। अरे क्या तुम दोनों बकवास कर रहे हो, ऐसा होता है क्या भला? बाबूजी हम दोनों ने अनन्या से शादी भी कर ली है। हाँ हाँ बाबूजी, मैंने आपको इसलिए कॉल किया क्योंकि हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी। हाँ बाबूजी, उसके बाद हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे बाबूजी। ठीक है, मैं तुम लोगों से रात में आके मिलता हूँ। जगह देख लो और जगह बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। वहाँ का पता मुझे मैसेज कर दो। हाँ बाबूजी, मैं करता हूँ मैसेज।
अनन्या क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने हम पर किडनैपिंग और डकैती का केस कर दिया। क्या? हाँ। ये पकड़। लेकिन सुन, तुम दोनों जो किया है ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब जितना जल्दी भी हो सके दिल्ली के लिए भाग जा। कहीं पुलिस के हाथ तुम दोनों लग गए ना तो मैं भी नहीं छोड़ा पाऊंगा। ठीक है बोल। नमस्ते। ध्यान रखना अपना। लड़की को कहाँ छुपा के रखता है? लड़की? चलो बताओ कौन सी लड़की? चलो भेजो इसे। भैया अरे कौन लड़की? अरे अरे कौन लड़की? ये क्या क्या सब सब बताते हैं। चलो ये सुनिए। अनन्या 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 चलिए पीछे हटिए। हटिए आप लोग पीछे हटिए। मार दिया इन सब ने मेरी बहन को। मार दिया इंस्पेक्टर साहब। झूठ 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 बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये तुम यहां कैसे? हाँ इंस्पेक्टर साहब इसी ने मारा है। इसी ने मारा हमारी अनन्या को। मैंने नहीं मारा। एक मिनट, आपको यहाँ का पता किसने बताया? मैं तो अलग अलग जगह जाकर इन्हें ढूंढ ही रहा था। आज मुझे वो पंडित जी मिले जिन्होंने इनकी शादी कराई, उन्होंने यहाँ का पता बताया। मैं तो ये सोच रहा था कि उस शादी का कोई गवाह नहीं है, अनन्या को समझा कर ले जाऊंगा। लेकिन यहां आया तो उसकी लाश पड़ी थी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब वो देखिए, अनन्या का बैग खुला है और जेवर भी गायब है। क्या क्या हो रहा है यहां पर? मुझे तो लगा था इन दोनों ने मेरी बहन को मारकर सारे जेवर लेकर भाग गए। जेवर तो मैंने भी देखे थे, बहुत सारे थे। आपकी तारीफ? मैं इस मकान की मालकिन हूँ, यहीं बगल में रहती हूँ। आपने इसे आखिरी बार कब देखा था? शाम को जब मैं आई थी, ये दोनों भी थे और बैग भी था बंद। मतलब आपकी नजर बैग पर थी। इनके घर की तलाशी लो। मेरे घर की तलाशी क्यों? मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। कातिल जो भी है यही है। सर, कमरे में तो कोई जेवर नहीं मिला, लेकिन घर के बाहर झाड़ियों में ये कट्टा मिला है। की तलाशी लो। सर ये दो गोलियां मिली हैं। सोच रहा था कि कातिल ने अनन्या को गोली मारी और कट्टा बाहर फेंक दिया, लेकिन सवाल यह है कि इस कट्टे की दो गोलियां तुम्हारे बैग में कैसे? एक बात और बताओ, तुम दोनों अपने बाप से पैसे लेने क्यों गए? जबकि तुम्हें अच्छे से पता था
कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। बोलते हो कि लगाऊं? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हैं आप? चुप, वरना सबसे पहले जेल आप जाएंगे। ए, इसके बैग की तलाशी लो। इसका मतलब 10 लाख की ज्वेलरी के लालच में तुम दोनों ने इसे मार दिया। अब सच बोलोगे? बोलोगे? हम तो अनन्या से प्यार करते थे, हम भला उसे जेवर के लिए क्यों मारते? हम तो अनन्या के लिए जान तक दे सकते थे सर। तो फिर इसे मारा क्यों? मेरा और अमित का झगड़ा हो गया था। जब बाबूजी ने मुझे फोन पर बताया कि हम पर किडनैपिंग और डकैती का केस है, तो मैं घबरा गया था। मैंने सोचा अगर मैं अनन्या के साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर लेता हूं तो मुझ पर ये जुर्म लागू नहीं होगा। थैंक यू सो मच। भैया कहाँ जा रहे हो आप? क्या हुआ? वकील से बात करने जा रहा हूँ। अब इस केस से बचने का एक ही तरीका है, अगर हमारी शादी अनन्या के साथ रजिस्टर्ड हो जाए तो। भैया वो मैं आपको बताना भूल गया था, आप फिक्र मत करो, मैंने वकील से बात कर ली और अनन्या के साथ मेरी रजिस्टर्ड मैरिज हो जाएगी। तूने वकील से बात कर ली? हाँ भैया। और मुझे बताया नहीं? और ये रजिस्टर्ड मैरिज तू क्यों करेगा? भैया क्योंकि किसी एक के साथ में ही रजिस्टर्ड मैरिज हो सकती है और वो मैरिज मेरे साथ में होगी अनन्या की, बस समझे? लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज मैं भी तो कर सकता हूँ ना। अच्छा कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा ना कि रजिस्टर मैरिज करके तू बच जाएगा और मैं जेल की सजा काटूंगा? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनन्या से प्यार मैं पहले से करता आया हूं ना, तो अनन्या के साथ में रजिस्टर्ड मैरिज सबसे पहले मेरी होगी, तो मेरी होगी बस। मैं पढ़ा हूं समझा? मैंने तुझे पहले ही बोला था अगर कोई भी मुझे अनन्या से अलग करने की कोशिश करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या करोगे? छोड़ो मुझे। करोगे क्या आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या करोगे? मैं छोटा भाई हूँ आपका, गोली चल जाएगी। नवीन मैंने तुझे पहले बोला था बहुत प्यार करता हूँ मैं, बोला था मैंने तुझे। भैया आप क्या गोली चला रहे हैं अपने छोटे भाई ने? भैया गन उठाओ आप अपने छोटे भाई। भैया सुनो मेरी बात, रुक जाओ। भैया छोड़ो, भैया गोली चल जाएगी। भैया रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। भैया गोली चल जाएगी। भैया छोड़ो। हमारे हाथों अनन्या का खून हो गया था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सोचा बाबूजी से पैसे लेकर के हम दिल्ली भाग जाएंगे। फिर हमने अनन्या के गहने भी ले लिए और वो कट्टा हमने झाड़ियों में फेंक दिया। सर हम जिससे प्यार करते थे, जिसके साथ में जीना चाहते थे, ने उसको ही मार दिया सर। हर रिश्ते सामाजिक दायरे में अच्छे लगते हैं। तुम दोनों जो करने चले थे उसका अंजाम एक ना एक दिन ऐसा ही होना था। ले चलो दोनों को, चल। इंस्पेक्टर बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए सर। हेलो एम्बुलेंस।